हाउ आर यू ऑल, आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड, गाइड एंड ट्रेनर। और आज मैं फिर से बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके आई हूँ, एंड इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। बट कौन से एनिमल्स? लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था डोमेस्टिक एनिमल्स को, और इस बार हम कवर करने जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को। ओके, तो जंगली जानवर भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है, मींस हमारे लाइफ के, हमारे लाइफ साइकिल के एक पार्ट एंड पार्सल है। और सर्टेनली हमें तो एक एक शब्द हमारे लिए कीमती है, तो ये जानना जरूरी है कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें मैंने 15 वाइल्ड एनिमल्स कवर किए हैं, और एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें मैं 15 वाइल्ड एनिमल्स और कवर करूंगी। उसके बाद और भी ऐसे पार्ट्स इसके आते रहेंगे जिसमें हम इनके बेबीज को, जैसे अभी रेप्टाइल्स भी हैं और भी चीजें हैं, बर्ड्स हैं जिनके बेबीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हमें पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। यंग वंस मींस क्या होते हैं? उनके बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स, चाइल्ड, बेबी जो होते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें मैंने सबसे फर्स्ट जो एनिमल लिखा है वो है LION। डरने की जरूरत नहीं है। ओके, लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ऑल ऑफ यू नो। ओके, लेकिन उसके जब जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो बहुत ही क्यूट सा होता है और बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। उसे भी आप देख करके गोद में लेना चाहते हैं और खिलाना चाहते हैं, लेकिन उसका नाम भी तो पता होना चाहिए। उसे हम कहते हैं CUB, कब। लायन का जो बेबी है उसे हम कहते हैं कब। ओके, नेक्स्ट टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत सा जानवर बट बहुत डेंजरस भी। ओके, तो ये जो टाइगर है इसके बच्चे को भी हम बोलते हैं CUB, कब। ऑलराइट, देन द थर्ड वन, LEOPARD, लेपर्ड, कैट की प्रजाति का, उसी की स्पीसीज का एक जानवर। ये सारे कैट के ही प्रजाति के हैं, बहुत ही तेज चाल वाला, और ये तो वो काम भी कर सकता है जो लायन और टाइगर नहीं कर सकते, मतलब ये ट्री पे भी क्लाइम कर सकता है। ओके, और देखने में डेफिनेटली ये भी बहुत खूबसूरत होता है। और इस लेपर्ड के बच्चे को भी हम CUB कब ही कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, जो कि बहुत ही, जिसे हम लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, जमीन पे रहने वाला सबसे बड़ा जानवर। और अगर हम अपने एपिक्स को उठा करके देखें या हम अपने वॉर्स को देखें तो उसमें भी इसका बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल है। ओके, तो एलिफेंट, और अगर हम माइथोलॉजी को भी देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं की ये सवारी भी है, मीन्स हम इनको भी पूजते हैं। ठीक है, सो दिस एलिफेंट इज देयर, इनके बच्चे को हम बोलते हैं CALF, काफ। एलिफेंट मीन्स हाथी, यू नो वेरी वेल, और जो बेबी एलिफेंट है उसे हम बोलेंगे CALF, काफ। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम BEAR, बियर। बियर मीन्स भालू, जंगल में रहने वाला भालू। ये एक ओमनीवोर एनिमल होता है। ओमनीवोर मीन्स क्या? जो कार्निवोर भी होता है और हर्बीवोर भी होता है, मीन्स वो मांस भी खाता है और वो जो हर्ब्स होते हैं उनको भी खाता है, और हनी तो इसका फेवरेट फूड होता है। ओके, तो ये जो बियर है, बियर के चाइल्ड को भी हम CUB, कब ही कहते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, जो कि है GIRAFFE, जिराफ। ये जिस तरीके से हम एलिफेंट्स की बात कर रहे थे कि ये लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं एलिफेंट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जो टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड होता है वो होता है जिराफ। ठीक है ना, जिराफ की हाइट भी बहुत ज्यादा होती है और उसके ऊपर से उसका जो नेक है, मींस उसकी गर्दन है, वो और भी लंबी होती है। एंड ओवरऑल वो देखने में बहुत ही खूबसूरत सा जानवर होता है, और उसके बेबीज तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो जो जिराफ है, जिराफ के बच्चे को भी हम बोलते हैं CALF, काफ। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, जो कि है मंकी। मंकी से बच्चा वाकिफ है। कभी आप जंगल सफारी में भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स आप देख पाते हैं वो मंकीज होते हैं,
they used to climb from one branch to another branch or one tree to another tree, और ये बहुत ही ज्यादा तेज और चंचल जानवर होते हैं। और सिर्फ जंगल ही में ही क्यों, हमारे घर के आसपास भी हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मंकी है, मंकी के बच्चे को हम बोलते हैं INFANT, इन्फेंट। ये वर्ड भी ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम यूज करते हैं, इन्फेंट्स, ठीक है ना। तो ये वर्ड हमने यहां से ले लिया। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा KANGAROO, कैंगरू। ओके, कैंगरू क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है और ये बहुत ज्यादा नोटिस इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बेली में एक पाउच होता है जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखता है और रखने के साथ साथ वो अपना ग्रास खाता रहता है, जंप करता रहता है यहाँ वहां। और ये जो पाउच्ड एनिमल है कैंगरू, ये इसकी स्पेशलिटी है एक्चुअली में, ठीक है। और इस कैंगरू का जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसे हम बोलते हैं JOEY, और इसे हम पढ़ेंगे जोई। क्या पढ़ेंगे हम इसे, जोई, इसे जॉय नहीं पढ़ेंगे, जोई, ठीक है, JOEY। इसे हम वाई को एक तरीके से साइलेंट कर देंगे और जोई पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रैबिट, RABIT, रैबिट है। तो ये वाइल्ड एनिमल, लेकिन कई बार लोग इसको डोमेस्टिकेट भी करते हैं, लेकिन डोमेस्टिकेट करने से या रेयर करने से वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं हो जाता, नेचुरली ये वाइल्ड एनिमल ही है, ठीक है ना। रैबिट मीन्स खरगोश होता है और बच्चों को बहुत प्रिय होता है, बड़ों को भी बहुत प्रिय होता है क्योंकि ये देखने में इतना सुंदर होता है और इतना फास्ट भागता है कि बस पलक झपकते ही आपने यहाँ देखा और पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रैबिट होता है उसके बेबी को हम बोलते हैं KITTEN, किटन, या फिर हम इसे बोलते हैं KIT, किट। आप इसे किट भी कह सकते हैं या फिर आप इसे किटन भी कह सकते हैं। जब ये बेबी बर्थ लेता है तो उस वक्त वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है, उसकी आईज क्लोज्ड होती हैं और उसके बॉडी पे फर नहीं होता। मुझसे कई बार मेरे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम HARE हेयर भी एक एनिमल है जो खरगोश ही होता है और ये रैबिट भी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस और भी है पर एक डिफरेंस ये है कि जब हेयर होता है उसका, जब न्यू बेबी आता है तो फुली डेवलप्ड होता है, उसके बॉडी पे फर भी होते हैं, उसकी आईज ओपन, वाइड ओपन होती हैं। लेकिन जब ये रैबिट के बेबीज होते हैं तो उनकी आईज क्लोज रहती हैं, वो बिल्कुल स्किन होता है उसके, जो उसका स्किन होता है उसके ऊपर फर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, फर बाद में डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रैबिट एंड हेयर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट एनिमल है हमारा FOX, फॉक्स, ठीक है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, बहुत ही चालाक और शातिर जानवर, ठीक है। तो बहुत चालाक और शातिर है तो इसके बच्चे को भी किसी एक ही नाम से नहीं पुकारते हैं, इसके बच्चे को हम CUB, कब भी बोलते हैं। ओके, इसके बच्चे को हम PUP, पप भी बोलते हैं और इसके बच्चे को हम KIT, किट भी बोलते हैं। ये तीनों ही नाम फॉक्स के बेबी के लिए आप यूज कर सकते हैं, तीनों ही सही है और आप कोई भी ऑप्शन इज देयर फॉर यू, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट एनिमल है DEER, डियर। ओके, और डियर मीन्स होता है हिरन और हिरन के बच्चे को आप बोलते हैं FAWN। हिरन बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एनिमल है HEDGEHOG। इसमें डी साइलेंट होता है और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं हेजहॉग। ओके, हेजहॉग। हेजहॉग क्या होता है, अगर आप मेरा वाइल्ड एनिमल्स का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हेजहॉग मीन्स होता है कांटेदार जंगली चूहा। जंगली चूहा होता है जिसके ऊपर स्पाइंस निकले रहते हैं, कांटेदार वो होता है। ओके, लेकिन बहुत प्यारा होता है और इसका जो बेबी होता है, इसका जो बच्चा होता है, उसे हम बोलते हैं HOGLET। इसे हम बोलते हैं हॉगलेट। ओके, इसे हम पढ़ेंगे हॉगलेट, राइट। चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल की तरफ, WOLF, वुल्फ। वुल्फ मीन्स भेड़िया।
आप देखते हैं ना जैकॉल, वुल्फ और फॉक्स लगभग मिलते जुलते हैं, हाइना, ये सब मिलते जुलते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं और उनका नेचर और उनके फूड हैबिट्स में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो वुल्फ है, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, और इसका जो बेबी होता है उसको हम बोलते हैं पीयूपी पप। ओके, वुल्फ के बच्चे को हम बोलते हैं पप। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं बी ए बी डबल ओ एन बबून। बबून मीन्स लंगूर, जिनका मंकी जैसे ही होते हैं, जिनका फेस ब्लैक होता है और वो साइज में मंकी से काफी बड़े होते हैं। ओके, तो उसे हम बबून कहते हैं और उनके बच्चे को हम बोलते हैं आई एन एफ ए एन टी इन्फेंट। ओके, दे आर नोन एज इन्फेंट। जैसे मंकी के बेबी को भी हम इन्फेंट बोलते हैं, वैसे ही बबून के बेबी को भी हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एच वाई ई एन ए हाइना। हाइना मीन्स क्या होता है, लकड़बग्घा। ओके, और ये जो लकड़बग्घा है इसके बेबी को हम बोलते हैं सी यू बी कब, सी यू बी कब। देन आता है हमारा जैकॉल, जे ए सी के ए एल, इसे जैकल नहीं पढ़ते, इसे आप पढ़ोगे जैकॉल। ओके, और जो जैकॉल है उसके बेबी को हम बोलते हैं पी यू पी पप, उसे हम बोलते हैं पी यू पी पप। एंड नेक्स्ट आता है हमारा पांडा। पांडा को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बच्चों का बहुत प्रिय होता है, बियर जैसा ही दिखता है पर उसका फेशियल स्ट्रक्चर इतना प्यारा और क्यूट होता है कि इतने सारे कार्टून्स बच्चों के लिए बने हुए हैं, इतने सारे मटेरियल्स बने हुए हैं जिसमें पांडा का शेप होता है, ठीक है। ये जो पांडा है इसके बेबी को भी हम बोलते हैं सी यू बी कब, इसे हम कब बुलाते हैं, ठीक है, सी यू बी कब। ओके, उसके बाद आता है हमारा जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा के बेबी को भी हम बोलते हैं, मैं यहां लिख देती हूं एफ ओ ए एल फोल। ये कुछ हॉर्स जैसी जैसा ही एनिमल होता है, उसी प्रजाति का लगभग ही जानवर होता है, इसलिए उसके बेबी को भी हम फोल कहते हैं। और फिर से मैं वही बात बताती हूँ कि जब तक ये वन ईयर्स तक का होता है या वन ईयर के अंदर होता है तब तक वो बेबी चाहे मेल हो या फीमेल हो वो फोल कहलाता है, लेकिन जैसे ही कोई मेल चाइल्ड होता है, मतलब वो बच्चा वन ईयर से ज्यादा कम हो जाता है, तो अगर वो मेल है तो उसे हम सी ओ एल टी कोल्ट बोलेंगे, ठीक है, और अगर वो फीमेल है तो उसे हम फिली बोलेंगे, ठीक है ना, फिली फॉर फीमेल एंड सी ओ एल टी कोल्ट फॉर मेल, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये हो गए आज के हमारे टोटल 15 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ओके, तो एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सो द चाइल्ड ऑफ लॉयन इज नोन एज कब, द चाइल्ड ऑफ टाइगर इज ऑल्सो नोन एज कब, देन द चाइल्ड ऑफ लेपर्ड इज ऑल्सो नोन एज कब, द यंग वन ऑफ द एलिफेंट इज नोन एज कब, सी ए एल एफ कब, द यंग वन ऑफ डियर इज नोन एज कब। ओके, द बेबी ऑफ जिराफ इज नोन एज काफ। ओके, द चाइल्ड ऑफ मंकी इज नोन एज इन्फेंट, द चाइल्ड ऑफ कैंगरू इज नोन एज जोई, जोय नहीं जोई, द चाइल्ड ऑफ रैबिट इज नोन एज किटन और किट, देन द यंग वन ऑफ फॉक्स इज नोन एज कब और पप और किट। ओके, नाउ द बेबी ऑफ डियर इज नोन एज एफ ए डब्ल्यू एन फॉन, द बेबी ऑफ हेजहॉग इज नोन एज हॉगलेट, एच ओ जी एल टी हॉगलेट, देन द बेबी ऑफ वुल्फ इज नोन एज पी यू पी पप, द चाइल्ड ऑफ बबून इज नोन एज इन्फेंट, द चाइल्ड ऑफ हाइना इज नोन एज सी यू पी कब, द चाइल्ड ऑफ जैकॉल इज नोन एज पी यू पी पप, द चाइल्ड ऑफ पांडा इज नोन एज सी यू पी कब, एंड द चाइल्ड ऑफ जेब्रा इज नोन एज फोल, जब तक वो वन ईयर या उसके अंडर में होता है, जब वो वन ईयर से ज्यादा का होता है, वो थ्री फोर ईयर्स का हो जाता है तो मेल चाइल्ड है तो कोल्ट, और अगर वो फीमेल चाइल्ड है, फीमेल है अगर वो तो वो हो जाएगी फीमेल है तो फिली, और अगर मेल है तो कोल्ट, ठीक है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा चैप्टर है और कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आया है इसको सीखने में,
और अगर एक से दो बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो मुझे पता है, वैसे तो आपको लगभग ये पता है पर इसमें कुछ नया भी है तो आप हमेशा हमेशा के लिए सीख लेंगे। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है कि उनकी कोर्स में है तो उनको पढ़ना है, उनको याद करना है। दिस इज यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, जितने भी लोग हैं। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे के कोर्स में है तो वो तो याद करके पढ़ेगा ही, लेकिन अगर आप ही से पूछ लिया जाए कि आई एम राइटिंग अबाउट द चाइल्ड ऑफ अ डियर, व्हाट डू वी से इन इंग्लिश, और आपको नहीं पता हो तो क्या आप लिखेंगे बेबी ऑफ डियर? वो तो काम चलाने के लिए आप लिखेंगे, पर आपको एग्जैक्ट वर्ड फॉन पता होना चाहिए, FAWN फॉन, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती है और हमारे माइंड में वो होना चाहिए, तभी तो हम धीरे धीरे अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाते चले जाएंगे और उस लैंग्वेज में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आपको पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना, सीखते रहना है, इस प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिएगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे और यूजफुल लग रहे हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए कि न्यू वीडियो आ गया है। और अगर आपको वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट भी कीजिए प्लीज, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। सारी चीजें जरूरी है पर सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी आप सीख रहे हैं उसको हमेशा के लिए सीखना और अपने माइंड में सेट करना। तो चलिए, इसका मैं एक और पार्ट लेकर के आऊंगी, टू पार्ट्स आई विल ब्रिंग ऑफ दिस, वन ऑफ मोर वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर यंग वंस एंड वन ऑफ द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस, और तब तक इन सारी चीजों को रिवाइज करके अपने माइंड में बिठा लीजिए जब तक आपका नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होने को जा रहा है। ओके, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन स्टडिंग एंड अपग्रेड योर सेल्फ डे बाई डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।